तारे सितारे एवं ग्रह नक्षत्र बदलते हैं अपनी चाल और एस्ट्रो गुरुजी बताते हैं आपकी जन्म राशि का हाल। मित्रों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारी व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल दिनांक 14 अगस्त 2019 बुधवार के दिन का। तो आज जो है 12 में से 6 राशि वालों को विशेष उपलब्धि के योग बन रहे हैं, अन्य राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। तो आज श्रावण मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, बुधवार का दिन है। तो आज का दिन जो है गौरी पुत्र गणेश जी को अति प्रिय है। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की विशेष पूजा आराधना करने से हमारे जीवन में आने वाली बाधाएं विघ्न संकट स्वतः ही दूर हो जाते हैं। तो गणेश जी की आराधना करने से सभी कार्य हमारे निर्विघ्न संपन्न भी हो जाते हैं, हमें उत्तम बुद्धि व कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। तो इसीलिए हम प्रत्येक कार्य की शुरुआत में गणेश जी महाराज की आराधना करते हैं जिससे हमारे सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाए। तो गणेश जी महाराज की विशेष कृपा को पाने के लिए हमें बुधवार का व्रत करना चाहिए। प्रति बुधवार गणेश जी का श्रद्धापूर्वक पूजन करना चाहिए, उनको मोदक का भोग लगाना चाहिए, लाल पुष्प की माला और दुर्वा अवश्य उनको अर्पण करना चाहिए। गणेश जी के नाम मंत्रों का यथाशक्ति उच्चारण वहाँ बैठ करके करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणेश जी की विशेष कृपा हमको मिलती है, हमारे सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं और उत्तम बुद्धि की हमको प्राप्ति होती है। तो आज का सूर्योदय होगा प्रातःकाल 5:49 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:01 पर और श्रवण नक्षत्र से दिन की आज शुरुआत होगी। आयुष्मान नाम का शुभ योग आज रहेगा। मकर राशि में आज चंद्रमा का संचरण होगा। आज अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है। आज का अशुभ समय दुष्ट मुहूर्त प्रारंभ होगा दिन के 11:59 से तो दिन के 12:52 तक चलेगा। तो इस अशुभ समय में कोई शुभ कार्य की शुरुआत आप नहीं करें, कोई नया काम शुरू आप नहीं करें। आज राहु काल रहेगा दिन के 12:25 से आरंभ होकर के तो दोपहर 2:04 तक राहु काल रहेगा। तो राहु काल के दौरान भी कोई शुभ व नया कार्य आप शुरू नहीं करें। आज दिशाशूल रहेगा उत्तर दिशा में तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके कोई भी शुभ व मांगलिक कार्य आप नहीं करें, कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करें, उत्तर दिशा की यात्रा भी नहीं करें। यदि आपको यात्रा करना अति आवश्यक हो तो अपने इष्ट देवता का यथाशक्ति नाम उच्चारण करके यात्रा कर सकते हैं। और आज चौगड़िया के अनुसार शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेंगे। प्रातःकाल लाभ का चौगड़िया आरंभ होगा 5:49 से तो प्रातः 7:25 तक रहेगा। प्रातःकाल अमृत का चौगड़िया आरंभ होगा 7:28 से तो प्रातः 9:07 तक रहेगा। और प्रातः शुभ का चौगड़िया आरंभ होगा 10:46 से तो दिन के 12:25 तक रहेगा। और दिन में चर का चौगड़िया आरंभ होगा 3:43 से तो सायं 5:22 तक रहेगा। और शाम को लाभ का चौगड़िया रहेगा 5:22 से तो शाम 7:01 तक रहेगा। तो चौगड़िया के अनुसार इन शुभ मुहूर्त में आप कोई भी शुभ नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की खरीद या बिक्री का कार्य इस दौरान आप कर सकते हैं जिसमें आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज शुभ ग्रह योगों के कारण 12 में से 6 राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ फलदायी रहेगा, अन्य राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा सा सामान्य रहेगा। तो आज आपकी राशि के अनुसार कुछ सरल से उपाय भी आपको हम बताएंगे जिससे आपके विघ्न संकट बाधाएं दूर होगी, आर्थिक पक्ष भी आज आपका मजबूत रहेगा। तो अब जानिए अपनी जन्म राशि के अनुसार आज आपके भाग्य के सितारे क्या बोलते हैं। मेष राशि से आरंभ करते हैं। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन इस प्रकार से रहने वाला है कि आज आत्म अन्वेषण करके आप अपने बारे में बहुत कुछ जानकारी हासिल कर पाएंगे। आप अपने दृष्टिकोण और व्यक्तित्व के बारे में सब कुछ जानने में समर्थ भी हो सकेंगे। आज योग ध्यान का जितना आप सहारा लेंगे वह आपके लिए ज़्यादा ही लाभकारक आज रहेगा। आज स्वयं को अच्छा महसूस कर पाएंगे। आज खुद को तैयार अवश्य रखें, परिश्रम अवश्य करें। अपने बारे में यह जो ज्ञान आपको मिला है नए साहसिक कार्य की ओर आज आपको प्रेरित कर सकता है। कोई नया कार्य भी आज आप आरंभ कर सकते हैं। आपका आत्मविश्वास का स्तर आज काफ़ी उच्च रहेगा जो कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्रदान करेगा। आज आपको अशुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आपके बच्चे खुश व संतुष्ट आज रहेंगे, काम में व्यस्तता अधिक रहेगी, आज परिस्थितियों में सुधार रहेगा।
आज आलस्य और अज्ञान को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें, अन्यथा कोई अवसर आपके हाथ से निकल सकता है। सम्मानपूर्ण संबंध, आध्यात्मिक व्यक्तित्व, लोकप्रियता में वृद्धि और बड़ों का आशीर्वाद आज आपको मिल पाएगा। आज लाइफ की यदि हम बात करें तो पारिवारिक जीवन जो है आपका तनावपूर्ण हो सकता है। आप जितने अधिक व्यावहारिक रहेंगे वैवाहिक जीवन में उतनी ही सुख शांति का अनुभव आपको होगा। आज व्यवसाय की यदि हम बात करें तो भाग्य पर बहुत अधिक महत्व देना या गलत तरीके से बड़ी अपेक्षा करना आज आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। आज आपका जीवन शिष्टाचार पर निर्भर करता है। जितना आप शिष्टाचार का प्रयोग करेंगे उतना ही व्यवसाय में भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आज स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो संतान को इस समय विशेष आपकी देखभाल की आवश्यकता रहेगी। इस समय आपके स्वास्थ्य की शक्ति जो है उत्तम रहेगी, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। परिवार पर ध्यान अवश्य दें तो बेहतर रहेगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 2 है। शुभ रंग आपका केसरिया रंग है। केसरिया रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। आज सभी विघ्न संकट बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान गणेश जी महाराज के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जला करके भगवान गणेश जी का श्रद्धापूर्वक पूजन करें। यथाशक्ति उनके नाम मंत्रों का उच्चारण करें। ऐसा करने से विघ्न संकट बाधाएं आपकी दूर होगी, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। अगली राशि है वृषभ। वृषभ राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज आपके इष्ट देवता का आशीर्वाद आपके साथ हो सकता है। उनका ध्यान आज आपको अवश्य ही करना चाहिए। आपकी इच्छाएं जो होगी वह पूरी होने के योग हैं। यह समय आपको सुधार का रहेगा। इस समय आप अपने रिश्तों में सुधार कर सकते हैं। आज रिश्तों, घर और किसी अन्य क्षेत्र में बदलाव भी आप कर सकते हैं। आज जितना अधिक हो सके अपने आप पर ध्यान केंद्रित करते रहें। आज लोग भी आपकी ओर आकर्षित रहेंगे, आपके कार्य क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे। आज आपको अशुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं। विकास की संभावना अधिक हो सकती है। आज आपकी वित्तीय तस्वीर कुछ अधिक चमकीली भी हो सकती है, लेकिन आर्थिक स्थितियों के बारे में अनिश्चितता आज ज़्यादा हो सकती है, इसलिए आज आपको आर्थिक क्षेत्र में थोड़ा सतर्क रहना होगा। यदि आप आवश्यक परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के समय आपके लिए आज सामान्य रहेगा। आज लाइफ की यदि हम बात करें तो इस स्तर पर आपका रूप बदल सकता है। आपके द्वारा अनुभव किए जा रहे परिवर्तन अस्थायी नहीं रहेंगे। यह परिवर्तन भौतिक स्तर पर भी हो सकता है। सब कुछ गतिमान रहेगा। आज लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी रह सकती है। आज व्यवसाय की यदि हम बात करें तो व्यावसायिक क्षेत्र में लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। यह प्रगति और विकास की खोज में अपनी ऊर्जा लगाकर वांछित आपको परिणाम प्राप्त करवा सकती है। आज व्यवसाय के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति भी आप प्राप्त कर पाएंगे। आज स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन इस प्रकार से आपका रहने वाला है कि आज मानसिक तनाव बिल्कुल नहीं रहने दे, इसका प्रतिकूल प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। आज सकारात्मक रवैया रखें तो स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 6 है। शुभ रंग आपका पीला रंग है। पीले रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। आज सभी विघ्न संकट बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के बाद भगवान गणेश जी के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाएं और गणेश जी को गुड़ और दुर्वा अर्पण करें। यथाशक्ति वहां बैठ करके उनके नाम मंत्रों का उच्चारण करें। ऐसा करने से आपके विघ्न संकट बाधाएं दूर होगी, आर्थिक पक्ष भी आपका मजबूत रहेगा। अगली राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार रहेगा। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी संबंधी मामले आपके सुलझ जाएंगे। दूर यात्रा के योग आपके बन सकते हैं। कानूनी कोई मामला है तो वह मामला आपका निपट सकता है। पारिवारिक वातावरण आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए श्रेष्ठ कहा जा सकता है। आज आपको अशुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि श्रमिक वर्ग को वरिष्ठों का मार्गदर्शन लेना पड़ सकता है, उसमें समस्याएं भी हो सकती है। आज बाजार में निवेश करना आज आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, इससे आपको नुकसान होने के योग हैं। और कार्यों को पूरा करने के लिए आपको आवश्यक ऊर्जा और उत्साह की आज आवश्यकता रहेगी। जो अथक
परिश्रम से आपको प्राप्त हो सकेगी। आज लाइफ की यदि हम बात करें तो आपके जीवन में उदारता और क्षमा के भाव से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपके आचरण को जनता के द्वारा सराहा जाएगा, नए रिश्ते आपके बन पाएंगे। आज व्यवसाय की यदि हम बात करें तो यदि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आप ऐसी स्थिति में पहुँच जाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। इसलिए आज आप अपने खर्चों पर विशेष करके नियंत्रण बनाए रखें तो आप कहीं भी निवेश कर सकते हैं और पैसों की बचत कर पाएंगे। आज स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो आज जिम्मेदारियां आपकी बढ़ जाएगी और आज आपको कम आराम मिलेगा, थकान भी महसूस कर सकते हैं। इसका प्रतिकूल प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, तो इसलिए आज जितना हो सके शरीर को आराम देने की कोशिश करें तो आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आज आपका भाग्यशाली अंक चाल है। शुभ रंग आपका बैंगनी रंग है। बैंगनी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। आज सभी विघ्न संकट व बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के बाद भगवान गणेश जी महाराज के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाएं और भगवान गणेश जी के मंदिर में लाल ध्वजा अर्पण करें। यथाशक्ति उनके नाम मंत्रों का उच्चारण करें। ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है कर्क। कर्क राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आप यथार्थवादी आज रहेंगे। व्यावसायिक यात्रा के अवसर भी आपको मिल पाएंगे। घर में किसी अतिथि का आगमन हो सकेगा। बिजनेस करने वालों के लिए आज का समय काफ़ी श्रेष्ठ रहेगा। अधिकारी वर्ग आपकी उपलब्धियों से प्रसन्न व संतुष्ट रहेंगे। नई जिम्मेदारियां और उच्च पद की आपको प्राप्ति हो सकती है। जिस किसी भी कार्य क्षेत्र में आप काम कर रहे हो उसमें आज आपको सफलता प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। आज आपको अशुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं। अपनी ताकत मेहनत के अनुपात में फल में कमी आपको महसूस होगी, जिससे आपके मन में असंतोष रहेगा। इच्छित परिणाम पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत की आवश्यकता रहेगी। आज की इस अवधि में गलत खर्चों से बचने की आज आपको सलाह दी जा सकती है। गलत कार्यों में खर्च आप नहीं करें। किसी भी कार्य में अति सावधानी रखना आज आपके लिए आवश्यक रहेगा। आज सावधानी पूर्वक कोई भी काम करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। आज लाइफ की यदि हम बात करें तो आप विश्वास विवाह आदि में नहीं करते हैं तो यह समय आपके लिए जटिल हो सकता है और दाम्पत्य जीवन में असहमति, गलतफहमी और व्यवधान होने की संभावना आज ज़्यादा हो सकती है। प्रियजनों से दूरी आपकी बढ़ सकती है। स्वयं को दुखी आप महसूस कर सकते हैं, इसलिए आज आप परिवार में सामंजस्य बना करके रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आज व्यवसाय की यदि हम बात करें तो इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है, आपको सतर्क रहना चाहिए। इस अवधि में मन चाहे फल न मिलने पर भी आज आपको धैर्य से काम करने की सलाह दी जा सकती है। आज धैर्यपूर्वक आप अपना काम करते रहें तो आपके लिए उत्तम फलदायक रहेगा। आज स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो आज वाहन का प्रयोग सावधानी से करें। आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो बेहतर रहेगा। आज आपका भाग्यशाली अंक एक है। शुभ रंग आपका आसमानी रंग है। आसमानी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। आज सभी विघ्न संकट व बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान गणेश जी के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाएं और गणेश जी को पीली मिठाई का भोग लगा करके उसके ऊपर दुर्वा चढ़ाएं। यथाशक्ति गणेश जी के नाम मंत्रों का वहां बैठ करके उच्चारण करें। ऐसा करने से विघ्न संकट बाधाएं आपकी दूर होगी। आर्थिक पक्ष भी आज आपका मजबूत रहेगा। अगली राशि है सिंह। सिंह राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आप लगातार आध्यात्मिक उत्थान को लेकर अन्य लोगों से प्रेरित भी हो सकते हैं और आपके आसपास के हर व्यक्ति को इस सकारात्मकता से लाभ भी मिल सकता है। यह जो समय है आपके व्यवसाय के साथ साथ व्यक्तिगत मामलों को भी प्रभावित आज का दिन कर सकेगा। आपकी आध्यात्मिकता की तलाश अपने चरम पर हो सकती है। इससे जबरदस्त आध्यात्मिक विकास आपका होगा। आज जितना आप आध्यात्म से जुड़े रहेंगे उतना ही आज का दिन आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकेगा। आज आपको अशुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं। आप लंबी यात्रा की योजना बना सकते हैं। अपनी मानसिक शक्ति, साहस और इच्छा शक्ति को आप बढ़ाएं। यहां गलत विचारों को खत्म करने से आपकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी। जैसे समय आपका बीतता जाएगा आपको राहत का अनुभव होगा। आज लाइफ की यदि हम बात करें तो परिवार में सामंजस्य बनाए रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आज व्यवसाय की दृष्टि से दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज का दिन जो है आपकी आय बढ़ने का अच्छा दिन है। निराशा आज आपकी दूर हो सकती है। आज विद्यार्थी वर्ग को मेहनत के
फल में कमी हो सकती है, इसलिए धैर्यपूर्वक अपनी तैयारी करना चाहिए और आर्थिक स्थिति में वृद्धि के लिए आपको परिश्रम आज करना होगा, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आज स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन इस प्रकार से रहेगा कि स्वास्थ्य स्थिति में आपके सुधार रहेगा, स्वास्थ्य आज आपका उत्तम रहेगा, स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी आज आपको नहीं रहेगी, फिर भी दिनचर्या अपनी संयमित रखें तो बेहतर रहेगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 3 है, शुभ रंग आपका बादामी रंग है। बादामी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। आज सभी विघ्न संकट व बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है, प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान गणेश जी के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जला करके भगवान गणेश जी को पंचमेवा का भोग लगावें और दुर्वा अवश्य चढ़ाएं, यथाशक्ति गणेश जी के नाम मंत्रों का उच्चारण करें। ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है कन्या। कन्या राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि उच्च शिक्षा या किसी अन्य कला के विकास में आप शामिल आज हो सकते हैं, आज आपको नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती है और आध्यात्मिकता के प्रति आपका झुकाव अधिक हो सकता है। ईश्वर आपकी प्राथमिकताओं की सूची में सबसे ऊपर रहेगा। आज अपने इष्ट देव का आप जितना अधिक ध्यान करेंगे वह उतनी ही आपकी मदद करेगा और शुभ दिशा में कुछ गहन शोध करने के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। आज कोई शोध कार्य आप संपन्न कर सकते हैं, किसी नए काम की शुरुआत आप कर सकते हैं, उसमें भी आज आपको सफलता के योग बनेंगे। आज आपको अशुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज आय से अधिक खर्च न करने की सलाह आपको दी जा सकती है। आज खर्च पर आप नियंत्रण बनाए रखेंगे तो दिन आपके लिए आर्थिक रूप से काफ़ी बेहतर हो सकेगा। आज व्यवसाय की यदि हम बात करें तो व्यवसाय में भाग्य का साथ आपको मिलेगा। पूरे दिन आपका आज मिश्रित परिणाम वाला भी हो सकता है, समय वैसे आपके लिए प्रगतिशील रहेगा। आज सट्टा मामलों में सावधानी आपको रखना चाहिए, दिन व्यस्तता से भरा रहेगा लेकिन राजस्व में वृद्धि जारी रहेगी, सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही आपकी बढ़ जाएगी। आज लाइफ की यदि हम बात करें तो आज आपको रोजी रोटी कमाने के लिए अधिक काम करने की आवश्यकता रहेगी। इस समय के दौरान आप अपने मित्रों और परिवार से दूर रहने का मन बना सकते हैं, आपको एक संरक्षक या परामर्शदाता मिलने की संभावना आज रहेगी। आज किसी की सलाह आपके लिए बहुउपयोगी साबित हो सकती है। आज सुधार के नाम पर आप हर वस्तु का बारीकी से निरीक्षण भी कर पाएंगे, आपकी आशाओं और इच्छाओं को स्वयं महसूस भी कर पाएंगे, आपका आत्मविश्वास और उत्साह आज बढ़ा हुआ रहेगा। आज आपके इष्ट देव के आशीर्वाद से आपको अपने विकास में कई बाधाओं को पार करने में सफलता भी प्राप्त हो जाएगी। आज स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो आज पेट से संबंधित कोई समस्या आपको हो सकती है, विशेष करके खान पान पर नियंत्रण बनाए रखें तो आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 9 है, शुभ रंग आपका लाल रंग है। लाल रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। आज सभी विघ्न संकट व बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है, प्रातःकाल स्नान करने के बाद भगवान गणेश जी के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जला करके भगवान गणेश जी को लाल वस्त्र अर्पण करें और दुर्वा चढ़ाएं, यथाशक्ति उनके नाम मंत्रों का उच्चारण करें। ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है तुला। तुला राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आपने पहले जो परिश्रम की थी उसका फल आपको नहीं मिला था, अब वह उसका फल आपको मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। आप भौतिक इच्छाओं को जगा पाएंगे, उन्हें फलते फूलते देख पाएंगे, बुद्धिमानी से पैसा आप कमा पाएंगे और बौद्धिक क्षमता आज आपकी बढ़ी हुई रहेगी। विद्यार्थी वर्ग, शिक्षक, भाषा आदि के लिए उनके लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा। शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का समय उपलब्धि वाला हो सकता है। व्यापार करने वालों के लिए भी आज का दिन काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। आज आपको अशुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं, पहले की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धा आपकी बढ़ सकती है, उससे तनाव बढ़ सकता है, लेकिन साथ ही आपके पास अधिक परिश्रमी स्वभाव आज रहेगा जो आपको हर परीक्षा में सफलता दिलाने में मदद करेगा। आज लाइफ की यदि हम बात करें तो अपना अधिकांश समय आप जिससे मिलने की आशा करते हैं उसके साथ बिताएंगे और मिलने के लिए तत्पर भी हो सकते हैं। आप अपने रिश्तों को नई ऊंचाइयां भी आज दे सकते हैं। आज परिवार में भी आपका सामंजस्य बना रहेगा जिससे घर में खुशी का माहौल आज रहेगा। आज व्यवसाय की दृष्टि से दिन इस प्रकार से रहेगा, सही योजना के साथ आप वित्तीय क्षेत्र में लाभ प्राप्त कर पाएंगे और आप प्रसन्न भी आज रहेंगे। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन समस्याओं का समाधान हो सकता है, आपकी योजनाएँ आज बहुत ही स्पष्ट रहेंगी।
रहेगी। आज स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो आज पेट से संबंधित छोटी मोटी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है, इसलिए आज आपको विशेष करके खान पान पर ध्यान रखना चाहिए, दिनचर्या को संयमित बना करके रखना चाहिए तो आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 10 है। शुभ रंग आपका नारंगी रंग है। नारंगी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। आज सभी विघ्न संकट व बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के बाद भगवान गणेश जी के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं और उनका यथाशक्ति पूजन करके कर्पूर से उनकी आरती उतारें, उनके नाम मंत्रों का उच्चारण करें। ऐसा करने से विघ्न संकट बाधाएं आपकी दूर होगी, आर्थिक पक्ष भी आज आपका मजबूत रहेगा। अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों को शुभ परिणाम आज इस प्रकार से मिल सकते हैं कि धार्मिक गतिविधियों में खर्च होने की संभावना आपके लिए अधिक हो सकती है। आपकी रचनात्मक बुद्धि आज तेज रहेगी और आपके प्रयास आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक बेहतर परिणाम प्रदान कर पाएंगे। स्वाभाविक रूप से आपको वित्त और अन्य उपलब्धियाँ प्राप्त हो सकेगी। आप ऊर्जा और उत्साह से आज भरे हुए रहेंगे, आगे बढ़ने के लिए तैयार आप रहें। आपको सफलता आज हर कार्य क्षेत्र में मिल सकती है। आज आपको अशुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आप अपने प्रमोशन या उन्नति का इंतजार कर रहे हैं तो बेहतर है कि इस समय स्थिति में बदलाव के विचार को त्याग दें, यानी किसी प्रकार का अपने कार्य क्षेत्र में परिवर्तन नहीं करें। आपको अपने कौशल और बुद्धि और करियर में वृद्धि के लिए अप्रत्याशित कोई अवसर मिल सकते हैं और उस पर ध्यान अवश्य दें। आपको अधिक काम का बोझ और घर से दूर काम करने के लिए जाना पड़ सकता है। आज लाइफ की यदि हम बात करें तो वह गुण जो आपको लोगों से अलग करता है वह आपकी उदारता रहेगी। आप न केवल अपने व्यक्तिगत परिवार की जरूरतों को बल्कि आसपास के सदस्यों की जरूरतों के बारे में भी आज चिंता व्यक्त कर सकते हैं, चिंतित रह सकते हैं, जो आपका गुण काफ़ी अच्छा है। आज व्यवसाय की यदि हम बात करें तो प्रमोशन के योग, उन्नति के योग आपके लिए बन रहे हैं। व्यापार के नए अवसर आपको मिल सकते हैं। अधिक काम आपको करना चाहिए और विद्यार्थी वर्ग के लिए सफलता का योग आज बन रहा है। सम्मान और प्रतिष्ठा में आपके वृद्धि होगी। आज स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो त्वचा व फेफड़ों से संबंधित मामूली समस्याएं आज आपको परेशान कर सकती है, इसलिए आज शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो उत्तम रहेगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 2 है। शुभ रंग आपका हरा रंग है। हरे रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। आज सभी विघ्न संकट व बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान गणेश जी के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जला करके उनको लाल वस्त्र अर्पण करें, लाल ध्वजा चढ़ाएं, यथाशक्ति गणेश जी के नाम मंत्रों का उच्चारण करें। ऐसा करने से विघ्न संकट बाधाएँ आपकी दूर होगी, आर्थिक पक्ष भी आपका मजबूत रहेगा। अगली राशि है धनु। धनु राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं। वित्तीय गतिविधियों में आपके वृद्धि की संभावना रहेगी। आप व्यवसाय और घरेलू दोनों क्षेत्रों में लगन से काम कर पाएंगे। माता पिता का सहयोग व आशीर्वाद आपको मिलेगा। स्वास्थ्य भी आज आपका बेहतर रहेगा। हर काम आपका समय पर पूरा होने के योग हैं। अचानक कहीं से कोई धन प्राप्ति के योग भी आपके लिए बन सकते हैं, किंतु आपको परिश्रम अवश्य करना चाहिए। आज आपको अशुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आप थोड़े से अतिरिक्त प्रयासों से नाम व प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, उनमें आपको आज धैर्य रखना होगा। आपके व्यक्तिगत जीवन में साथी से चली आ रही समस्याएं आज खत्म होने के योग हैं। किसी से कोई विवाद चल रहा हो तो आज का दिन विवाद खत्म होने के योग बन रहे हैं। आज लाइफ की यदि हम बात करें तो आप कुछ चीज़ों में भाग्य को दोष देते हैं। आपके स्वभाव में निराशा पैदा होने की संभावना अधिक हो सकती है। परिवार को अपनी छाया में सुरक्षित महसूस आज करने दें तो बेहतर रहेगा। परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करें तो आपके लिए उत्तम रहेगा। आज व्यवसाय की यदि हम बात करें तो दूरदृष्टि को प्रदर्शित करके एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आप भविष्य की गंभीर आपदा से उबर पाएंगे। एक अजीब चुनौती के रूप में जीवन का सामना करने के लिए तैयार आप रहें तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। व्यवसाय में काफ़ी उन्नति आप कर पाएंगे। आज स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन इस प्रकार से रहेगा कि आपके जीवन साथी को कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति इस बात का समर्थन करता है कि स्वास्थ्य समस्याएं कुछ समय में ठीक भी हो जाएगी, लेकिन आज आपको तनाव नहीं लेना चाहिए, किसी प्रकार से चिंता नहीं करना चाहिए। आज आपका भाग्यशाली अंक 6 है। शुभ रंग आपका बादामी रंग है। बादामी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। आज सभी विघ्न
विभिन्न संकट व बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के बाद भगवान गणेश जी के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जला करके गणेश जी को लाल पुष्प की माला और दुर्वा चढ़ाएं। यथाशक्ति उनके नाम मंत्रों का उच्चारण करें। ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है मकर। मकर राशि वालों को शुभ परिणाम आज इस प्रकार से मिल सकते हैं। आर्थिक रूप से आपके पास एक अच्छा समय आज का हो सकता है। आपकी पर्याप्त आय रहेगी, इसलिए इस समय आपके सामने आने वाले खर्च को लेकर कोई समस्या आपकी नहीं रहेगी। वाहन आदि संपत्ति आदि की खरीदारी आप कर सकते हैं। आपका आर्थिक पक्ष आज काफ़ी मजबूत हो सकता है, लेकिन उसके लिए आज आपको परिश्रम भी करना अति आवश्यक है और कार्य क्षेत्र में त्याग भी आज आपको कहीं करना पड़ सकता है, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। आज आपको अशुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज आप सपनों को देखना जारी रखें, लेकिन सपनों को वास्तविकता बनाने के लिए आवश्यक कार्यों में शर्माएं आप नहीं। आपको अपने वादों को पूरा करने के लिए और सिर्फ काम करने की आवश्यकता है। यदि आप एक ही बार में सब कुछ हासिल करने का सपना देख रहे हैं तो ऐसा आप नहीं करें, यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। एक बार में एक ही काम को अंजाम दें तो आपके लिए सफलतादायक रहेगा। आज लाइफ की यदि हम बात करें तो पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। परिवार में किसी को अचानक खुशखबरी मिल सकती है। नए मित्रों से आपकी निकटता, आपके संबंध काफी मजबूत बन जाएंगे। आज व्यवसाय की यदि हम बात करें तो प्रबंधन के क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति होगी। आपका मन प्रसन्न रहेगा। मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। इच्छा शक्ति और लंबे समय से चल रहे कानूनी मुद्दों को आज सुलझा पाएंगे। आज उनमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। आज स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो आज स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या आपको नहीं रहेगी। फिर भी दिनचर्या अपनी संयमित बनाए रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 4 है। शुभ रंग आपका नीला रंग है। नीले रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। आज सभी विघ्न संकट व बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के बाद भगवान गणेश जी के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जला करके उनको मोदक का भोग लगाएं, उसके ऊपर दुर्वा अवश्य चढ़ाएं। यथाशक्ति गणेश जी के नाम मंत्रों का उच्चारण करें। ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि व्यावसायिक लोगों के पास सफल समय आज रहेगा, क्योंकि आपके व्यवसाय का विस्तार और बिक्री और आय में वृद्धि के योग आज बन रहे हैं। आपके व्यवसाय में नए अवसर की आपको प्राप्ति हो सकती है। आप जिस किसी क्षेत्र में काम कर रहे हों, नए अवसर आपको मिल सकते हैं। किसी भी अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आज आपको अशुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज कार्य क्षेत्र में आपको सतर्क रहना होगा, वरना आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान करने के लिए कोई षड्यंत्र रच सकते हैं, इसलिए विशेष सतर्कता की आज आपको आवश्यकता रहेगी। आज लाइफ की यदि हम बात करें तो आपको मित्रों से असाधारण मदद मिल जाएगी। आपको अपने स्वभाव पर आज नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। पारिवारिक वातावरण जो है आज सामंजस्यपूर्ण रहेगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। आज व्यवसाय की यदि हम बात करें तो आप अपने लक्ष्यों और सपनों को सहकारी आधार पर पूरा कर पाएंगे। विदेश या दूर से शुभ समाचार की प्राप्ति आपको हो सकती है। अचल संपत्ति की खरीदारी का मन आप कर सकते हैं, उसमें सफलता आपको मिल सकती है। नौकरी वर्ग का परिवर्तन, पदोन्नति की संभावना आज आपके लिए ज़्यादा रहेगी। जो लोग शासकीय क्षेत्र में नौकरी आदि करते हैं उनको भी उन्नति के योग आज बन रहे हैं। आज स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो माता के स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। किसी बात को लेकर उनके साथ मनमुटाव आपका नहीं हो, इससे आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। इसलिए परिवार में किसी से विवाद नहीं करें, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करें तो आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 7 है। शुभ रंग आपका सफेद रंग है। सफेद रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। आज सभी विघ्न संकट व बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के बाद भगवान गणेश जी के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जला करके भगवान गणेश जी का यथाशक्ति श्रद्धापूर्वक पूजन करें और श्रीफल और दुर्वा उनको अर्पण करें। यथाशक्ति उनके नाम मंत्रों का उच्चारण करें। ऐसा करने से सारे विघ्न संकट व बाधाएं आपकी दूर होगी। आर्थिक पक्ष भी आपका मजबूत रहेगा। अगली राशि है मीन। मीन राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं
कि आप एक नए घर या वाहन आदि की खरीदारी कर सकते हैं और घर के मामले और अन्य मामलों में सफलता पाने के योग आज आपके लिए बन रहे हैं। आपको अपने परिवार के सदस्यों में से एक से अप्रत्याशित समर्थन प्राप्त होगा जो आपको अदालती मामलों में भी सफलता प्राप्त करवाने में मदद करेगा। यानी अदालत में यदि कोई मामला आपका उलझा हुआ है तो परिवार से विशेष समर्थन आपको मिल पाएगा। कहीं विवाद यदि आपका चल रहा हो तो उस विवाद में भी आज वह जो मामला है आपके ही पक्ष में रहेगा, उसमें भी आज आपको सफलता मिल जाएगी। आर्थिक पक्ष भी आज आपका मजबूत रहेगा। आज आप गुप्त शत्रुओं से सावधानी रखें तो बेहतर रहेगा। आज आपको अशुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं। इस समय आपको अपनी मेहनत पर विश्वास करने की आवश्यकता रहेगी क्योंकि भाग्य का साथ आज आपको थोड़ा सा कम मिलने के आसार रहेंगे। कामकाजी जीवन में यह समय आपके लिए मंदा रहने के संकेत रहेंगे। हो सकता है कि अपेक्षा के अनुसार आज आपको परिणामों की प्राप्ति नहीं हो सके, इसलिए आज आपको धैर्यपूर्वक काम करना होगा तभी आपको सफलता मिल पाएगी। आज लाइफ की यदि हम बात करें तो अगर आप अपने विचारों को दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं या दूसरों की आलोचना करते हैं तो आप नुकसान के भागी हो सकते हैं। विरोधी विचारों का स्वागत करने के लिए हमेशा अपना दिमाग आप खुला रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आज व्यवसाय की यदि हम बात करें तो आपको अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत की आवश्यकता रहेगी। आपके परिवार के सदस्य आपको सफलता प्राप्त करवा सकते हैं, आपको समर्थन उनका मिलेगा। साथ ही आपके मित्र, आपके बुजुर्ग इस समय आपका अधिक सहयोग कर पाएंगे जिससे कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी। आज स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन इस प्रकार से आपके लिए रहने वाला है। आपके माता और पिता का स्वास्थ्य वैसे सामान्य रहेगा और वे स्वास्थ्य के मुद्दों से आज बाहर आ पाएंगे। आप स्वयं के स्वास्थ्य का आज विशेष ध्यान रखें, दिनचर्या अपनी संयमित रखें, आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 8 है। शुभ रंग आपका आसमानी रंग है। आसमानी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। आज सभी विघ्न संकट व बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के बाद भगवान गणेश जी के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं, गणेश जी को लाल वस्त्र और पंचमेवा अर्पण करें और दुर्वा अवश्य चढ़ाएं। यथाशक्ति उनके नाम मंत्रों का उनके पास बैठ करके उच्चारण करें। ऐसा करने से विघ्न संकट बाधाएं आपकी दूर होगी, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह दैनिक राशिफल की जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर मिलेंगे।